किसी सियासी जमात के मंशूर में पानी शामिल नहीं, पहली तरजीह पानी, सभी जहन नशीन कर लें, चीफ जस्टिस का हुक्म। 20% GDP पानी पर मुनहसिर है, यही सूरत हाल रही तो मर जाएंगे। 48 साल से कोई डैम नहीं बना, दरखास्त गुजार का मौकिफ, अपने बच्चों को पानी ना दिया तो क्या दिया, पानी हमारे बच्चों का बुनियादी हक है, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। निगरान वजीर आला सिंध की जेरे सदारत अमनो अमान पर इजलास, सिंध की इमाम बारगाहों को बाकायदा पानी मुहैया करने के हिदायत, मलीर सदर और लियारी समेत दीगर जुलूस के रास्ते की सफाई की भी हिदायत। सिंध में योम अली पर सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए जाएं, IG की यकीन दहानी। जख्मी हालत में देखा तो मैं बहुत तड़पती थी। सुप्रीम कोर्ट का इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हुक्म, कम से इन फूल को मत लटकाएं। तैयबा तशद्दुद केस में हाई कोर्ट को एक हफ्ते में मुलजमान की अपील पर फैसला करने का हुक्म। पार्लियामेंट ने कानून साजी करना थी लेकिन वो मुद्दत पूरी कर चुकी। बच्चों के हुकूक का तहफ्फुज़ होना चाहिए, कानून भी पहले से मौजूद है। घरेलू मुलाजमा तैयबा तशद्दुद केस में साबिक एडिशनल सेशन जज और अहलिया को सजा हो चुकी है, दोनों ने सजाओं पर नजरसानी की अपील कर रखी है। चौधरी का रेहम खान की किताब और मौजूदा सूरत हाल पर बयान, तलाक याफ्ता बीवी किताब लिखेगी तो धज्जियां ही उड़ाएगी, रेहम खान अदालत जाएं तो खैर मकदम करेंगे, किसी को इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो पार्टी अपसेट होगी, रेहम खान किसी के एजेंडे पर काम कर रही है, हुसैन हकानी वाली तस्वीर सारी कहानी सुना रही है। मुस्लिम लीग नून पहले भी कई खवातीन को इस्तेमाल कर चुकी है, फवाद चौधरी। इंतखाबात 2018 से मुतालिक चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स, कहते हैं इलेक्शन के मामला जंगी बुनियादों पर चलेंगे, इलेक्शन में किसी सूरत ताखीर नहीं होने देंगे, इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता इख़लाक पर जवाब दे। DG इलेक्शन कमीशन कहते हैं तमाम सियासी जमातों ने मिलकर ज़ाब्ता इख़लाक बनाया, नया ज़ाब्ता इख़लाक 2018 के इलेक्शन के लिए बनाया गया। इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। उम्मीदवार को 62/63 का हल्फनामा जमा कराना होगा, इस बार कागजात नामजदगी में NTN की तफसीलात नहीं मांगी गई, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो 62/63 में कवर हो जाएगा। इलेक्शन एक्ट 2017 के बाद नया जाब्ता इखलाक तरतीब दे दिया गया, DG इलेक्शन कमीशन। हम अपने दौर के जिम्मेदार हैं, इजाफी बिजली छोड़कर गए थे, हमारी हुकूमत थी तो सब ठीक था। मियां नवाज शरीफ की कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू, कहते हैं मुल्क को अंधेरों से निकाला, मेरे बगैर मोटरवे समेत कई मंसूबे ताखीर का शिकार हुए। लवारी टनल कराची मोटरवे किची कनाल मंसूबा मुकम्मल कर लिया गया, नीलम जहलुम और तरबेला 4 को मुकम्मल किया, गवादर कोयटा सड़क बनाई। सहाफी ने सवाल किया कि कल से बिजली बहुत जा रही है, मरियम नवाज ने कहा हमारे दौर में बिजली क्यों नहीं जाती थी। निगरान वजीर आला बलोचिस्तान का मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द, वजीर आला और ओपोजिशन लीडर के दरमियान छठी मुलाकात भी बेनतीजा साबित, पार्लिमानी कमेटी के लिए दोनों फरीकैन 3-3 नाम सूबाई असेंबली को भिजवाएंगे।
इंतखाबात 2018 के लिए कागजात नामजदगी की वसूली शुरू। कागजात वैसे ही रहेंगे जैसे इलेक्शन एक्ट में तय किया गया था। कागजात नामजदगी की वसूली और जमा का अमल 8 जून तक जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी की फीस 100 रुपए मुकर्रर कर दी। कौमी असेंबली की सिक्योरिटी फीस 30,000, सूबाई असेंबली की 20,000 मुकर्रर। फसली नुमाइंदों के लिए अहम हुक्म जारी, 1/4 से कम वोट लेने वालों की फीस जब्त कर ली जाएगी। आयशा अहद की हमजा एंड कंपनी के खिलाफ एक और दरखास्त। नई दरखास्त का हदफ हमजा शहबाज, अली इमरान और ड्राइवर हैं। 16 फरवरी 2011 को हमजा और अली इमरान ने तशद्दुद किया और हबसे बेजा में रखा, जान से मारने की धमकियां दी, मोबाइल फोन, ज्वेलरी और पर्स भी छीन लिया। सुबह वहां से निकली तो ड्राइवर नामालूम मकाम पर ले गया। दरखास्त का मतन। आसमान से गिरी खजूर में अटकी मजलूम आयशा अहद के 6 मुलजिम अब भी आजाद। गैर सियासी पुलिस ने 7 साल बाद मुकदमा दर्ज किया। कल का दिन गुजर गया, शोहर समेत कोई मुलजिम गिरफ्तार ना हुआ। पुलिस का कहना है कि कोशिशें जारी हैं, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भारत की आबी जारहियत जारी। सिंध में पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। गुड्डू, सखर और कोठरी बिराजों पर पानी का लेवल नीचे चला गया। पानी ना होने से फसलें तबाह, काश्तकार परेशान हो गए। नहरों में सिर्फ पीने के लिए पानी छोड़ा जा रहा है। शहरियों की सिंध तास महदे की खिलाफ वर्जी पर अमली इकदाम उठाने की अपील। कालाबाग डैम बनाने की मुहिम भी शिद्दत इख्तियार कर गई। बरकतें और रहमतें समेट कर इख्तिताम पसीर हो रहा है। सस्ते बाजारों और ओपन मार्केट में महंगाई का जिन ना पकड़ा जा सका। सब्जियां, फल, मसाला जात, नापैद, दालें, चावल, घी, चीनी और आटा मजीद महंगा हो गया। हुक्मरान कुर्सी जीतने, अवाम गुर्बत मिटाने में मसरूफ। पंजाब भर में हुकूमत की रेट गायब। नेपा वायरस की धूम, पाकिस्तानी काश्तकार हो जाएं तगड़े। कुवैत ने भी भारतीय फलों सब्जियों पर पाबंदी आयद कर दी। सऊदी अरब और कुवैत बरामद दुगनी हो जाएगी। भारतीय फलों सब्जियों पर पाबंदी की वजह नेपा वायरस है। नेपा वायरस से इंसान और जानवर दोनों को नुकसान पहुंचता है। माहिर की राय। और नून लीग का 5 साला दौरे हुकूमत, कई मुनाफा बख्श कारोबार खसारे में आ गए। अशियाए खुरोनोश फराहम करने वाले यूटिलिटी स्टोर्स अरबों के खसारे में। सालाना सील 94 अरब से कम होकर 58 अरब हो गई। 1 अरब 40 करोड़ मुनाफा देने वाले अदारे अब 4 अरब के खसारे में हैं। खुशामदीद, मैं हूं हिना महमूद और मैं हूं मुअज्जम असकर। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे साथी एंकर तहमीना शेख। बुलेटिन का आगाज करें, सबसे पहले आपको अपडेट करें, किसी सियासी जमात के मंशूर में पानी शामिल नहीं। पहली तरजीह पानी, सभी जहन नशीन कर लें। चीफ जस्टिस की जानिब से यह हुक्म दिया गया है। जबकि मजीद कहा कि 20% GDP पानी पर मुनहसर है, यही सूरत हाल रही तो मर जाएंगे। 48 साल से कोई डैम नहीं बना। दरख्वास्त गुजार की जानिब से यह मौकिफ अपनाया गया है।
जबकि चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क दिए गए, अपने बच्चों को पानी ना दिया तो क्या दिया, पानी हमारे बच्चों का बुनियादी हक है। आपको अपडेट करें, दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौकिफ अपनाया गया है कि 20% GDP पानी पर मुनहसिर है, यही सूरत हाल रही तो मर जाएंगे, 48 साल से कोई डैम नहीं बना। जी हाँ, आपको एक अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं, किसी सियासी जमात के मंशूर में पानी शामिल नहीं है, पहली तरजीह पानी, सभी अपने जहन नशीन कर लें। चीफ जस्टिस ने हुक्म दे दिया, 20% GDP पानी पर मुनहसिर होती है, यही सूरत हाल रही तो मर जाएंगे। यहाँ पर आपको अहम तरीन खबर से आगाह करें कि किसी सियासी जमात के मंशूर में पानी शामिल नहीं, पहली तरजीह पानी समझी जाती है। साथ ही साथ आपको बताएं कि चीफ जस्टिस की जानिब से ये अहकामात और बयानात जारी किए गए हैं, जिसमें उनका ये कहना है कि 20% GDP पानी पर मुनहसर है, यही सूरत हाल रही तो तब लोग मर जाएंगे, 48 साल से कोई डैम नहीं बना, दरख्वास्त गुजार का ये मौकिफ है। साथ ही साथ आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करें कि पानी बच्चों को, पानी ना दिया तो क्या दिया, पानी हमारे बच्चों का बुनियादी हक है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं, जिसमें पानी के मुतल्लिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने ये कहा है कि मंशूर में पानी शामिल नहीं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं, एंकर पर्सन डॉक्टर सज्जाद बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने वक्त दिया। पानी पर बहुत जरूरी जो बहस है वो बिलाकर शुरू हो गई है, दरख्वास्त दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी ये हुक्म दिया गया है कि पानी अपने बच्चों को जरूर दिया जाएगा, क्या कहेंगे आप? आपका बहुत देर कर दी मेहरबान, आते आते चीफ जस्टिस साहब ने आज जो ये बात की और ये जो दरख्वास्त गुजार है, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, ये दरख्वास्त गुजार जो है अभी तक सोया हुआ था, जब ये हुकूमत जो है वो इकतदार के साथ जुड़ी हुई थी और वो काम नहीं कर रही थी तो तब ये दे दिया जाता। अब ये किससे सवाल होगा और कौन इसको अमली जामा पहनाएगा या इस पर पेशरफ कैसे होगी, जबकि हुकूमत अभी तक है ही नहीं है, इसमें 2 माह मजीद लगने हैं और अगर इंतखाबात बर वक्त हो जाते हैं तब, ये तो ऑप्शन है इसमें। और जहाँ तक बात रही पानी की, तो ये चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात जो है उसके मंशूर में पानी बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि जो 20% हमारा GDP का जिसका जिक्र किया गया कि वो डिपेंड करता है इस पर, तो मैं ये समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त जो है सबसे अहम सूबा है इस हवाले से कि जहां पानी सबसे ज्यादा है। आपने बात की कि किसी भी सियासी जमात में पानी के हवाले से कोई मंशूर नहीं रखा गया, कितनी मजाका खेज या फिर तश्वीशनाक बात कही जा सकती है, क्योंकि पानी पाकिस्तान का एक अहम मसला है, जो कि मुख्तलिफ ज़राए से भी ये बातें मालूम होती हैं कि 2025 तक पानी नापैद भी हो सकता है, तो क्यों इतनी ज्यादा गफलत बरती जा रही है इस हवाले से? देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, जिस तरह किशन गंगा डैम का भी मामला चल रहा है और जो इस तरफ हमारा नीलम जेलम कहलाता है, उसका 30% पानी जो है वो भारत में जो है वो रोक लिया है, 30% को आप समझें कि वहाँ पे आबी हयात और उसके साथ, ये सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर का मसला नहीं है, ये सरफेस वाटर का सिर्फ मसला नहीं है, ये जो डेप्थ में पानी होता है ये उसका भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हमारे पास जो है अवेलेबिलिटी जो है अब सिर्फ और सिर्फ ट्यूबवेल्स की है, हमारे तमाम सूबों ने जो है बड़ा अच्छा इसने काम किया और ट्यूबवेल धड़ाधड़ उन्होंने ट्यूबवेल लगाए हैं, जिस सूबे में भी आप चले जाएँ वहाँ जिम्मेदारों के लिए ट्यूबवेल लगा दिए गए हैं, इलाका मकीनों के लिए ट्यूबवेल लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से पानी की सतह जो है वो बतदरी नीचे जा रही है। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा तश्वीशनाक है, जिसके बारे में मैं आपको आगाह करता चलूं, वो बलूचिस्तान है, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर जो अब पानी की डेप्थ है वो 1200 से लेके 2000 फिट तक जा चुकी है, जो कि पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया में किसी डिस्ट्रिक्ट या किसी सूबे की इस तरह की सूरत हाल नहीं होगी, जो इंतहाई तश्वीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है। नवाब अकबर बुगती जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने एक मरतबा खान अब्दुल समद खान साहब की स्टेटमेंट, जो महमूद खान अचगजई साहब के वालिद हैं, उनको कहा था कि आप क्वेटा पर खाम खाम बलोच और पश्तून लड़ रहे हैं, 2011 के बाद या 2010 के बाद तो यहाँ पर पानी ही नहीं होगा, आप किस चीज़ पर लड़ रहे हैं? मैं ये समझता हूँ पानी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है पाकिस्तान में जो इंटरनल इंस्टेबिलिटी चली आ रही है, जो कि सियासी और अस्करी मामलात में हम देखते हैं एक पेज पर नहीं होते, इदारे एक पेज पर नहीं होते, तो क्या ये जो इंटरनल इंस्टेबिलिटी है, क्या ये भी इस राह में रुकावट है कि कौमी इश्यूज को बालाए ताक रख दिया जाता है?
जी आपने बहुत दुरुस्त सिंध की तरफ इशारा किया और मैं ये समझता हूँ कि आप जैसे जो सवाल करने वाले न्यूज़कास्टर्स या एंकर जो हैं वो मौजूद हों तो मैं समझता हूँ बहुत सारे मसाइल का हल तलाश किया जा सकता है। जो बात मेरे जहन में भी नहीं आई वो आपने ही कर दी कि हमारी अस्करी और सियासी क्यादत कभी एक पेज पर नहीं होती और अब तक कालाबाग डैम का मामला जो है जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने तो अब खुद नोटिस नहीं लिया है और ना ही कभी कोई फोर्स किया गया है किसी फोर्स की जानिब से ना किसी हमारी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि ये मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचा, क्योंकि कालाबाग डैम जैसे डैम की हमें अशद ज़रूरत है जिसके लिए अवामी नेशनल पार्टी के बारे में उससे पहले इंकशाफात हुए कि बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ एक अवामी नेशनल पार्टी नहीं है, बहुत सारे लोगों को सालाना भत्ता दिया जाता है और वो भारत की जानिब से दिया जाता है कि ये डैम किसी सूरत में बन ना पाए, उसे मतनाज़ा बनाया गया है। तो ये पानी का मसला जो है ये हल करना जो है ये अब हमारी फॉरन ऑफिस का भी काम है कि हमारा फॉरन ऑफिस जो है वो भारत के साथ जो है इस मामले को उठाए, सिंतास माहदे को उठाए और ये जो आबी दहशत गर्दी है भारत की इस पर भी जो है वो जाकर बात करे, वर्ल्ड बैंक से बात करे और जो भारत की आबी जानियत पर हमें बात करनी होगी, सिंतास माहदे के हवाले से अमले इकदाम उठाने होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सज्जाद बुखारी, आप हमारे साथ मौजूद थे। रॉयल न्यूज में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए रॉयल न्यूज।